नहीं, मैं मरने वाला, अरे मैं मरने वाला, अरे यार। यो व्हाट्स अप गाइस, के सब सुन लोग, मेरा नाम है लकी। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं अपनी प्यारी सर्वाइवल सीरीज, और ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है क्योंकि हम दोबारा से एक बॉस को डिफीट करने वाले हैं। तो उस बॉस का नाम जानने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और उस बॉस का नाम है भाई विदर, क्योंकि अब हमें बीकन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए हमने सोचा चलो विदर को अब डिफीट करने की बारी आ चुकी है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, विदर को डिफीट करने से पहले मुझे लगने वाला है विदर स्कल, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा फोर्ट्रेस में। तो जल्दी से चलते हैं फोर्ट्रेस में। तो चलो गाइस, हम फोर्ट्रेस में एंटर करने वाले हैं, लेकिन तब भी भाई साहब इन मनुष्यों ने रास्ता रोक लिया यार। अब पहले इनको मारना पड़ेगा, जब जाके उन काला हड्डी को मारना पड़ेगा। चलो भाई, तू भी आ जा। चलो आ जा, एक सेकेंड पहले ब्लेस को रखते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री में। अब आ जा तू। अरे भाई, तो मेरा आर्मर से ही मर गई, चलो इसको ही मारते हैं। तो चलो अब कलेक्ट करते हैं विदर स्कल को। ओके गाइस, फाइनली मैंने 3 विदर स्कल को कलेक्ट कर लिया है। तो अब बारी आती है यार दूसरा काम करने की। तो दूसरा काम में यार आपको गोल्डन एप्पल्स को क्राफ्ट करना, और आपको पता है कि गोल्डन एप्पल्स बहुत सही होते हैं विदर फाइट के लिए। तो चलो यार, किसी मेरी चेस्ट में पड़े होंगे एप्पल्स, तो उससे हम क्राफ्ट करेंगे गोल्डन एप्पल्स। और हमें गोल्ड की तो कमी नहीं होने वाली, क्योंकि हम पे 2 गोल्ड के फार्म है, तो बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। तो इस वाली चेस्ट में देखते हैं यहाँ पे हमें एप्पल्स मिल पाते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे टोटल 51 एप्पल्स हो चुके, तो उनको ले लेते हैं और चलते हैं अपनी जाइंट चेस्ट के बाद, वहाँ पे क्राफ्ट करेंगे अपने गोल्डन एप्पल्स। तो चलो गाइस, लेट्स गो। ओके, तो आ चुके हैं हम अपनी जाइंट चेस्ट के अंदर। यहाँ से निकालते हैं गोल्ड के ब्लॉक और गोल्ड का इंगट, और अब मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल तो है ही, तो क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करते हैं और यहाँ से जो गोल्ड के ब्लॉक है उनको कन्वर्ट करते हैं गोल्ड इंगट में, फिर क्राफ्ट करेंगे हम अपने गोल्डन एप्पल्स। तो चलो, यहाँ पे 16 गोल्डन एप्पल्स क्राफ्ट हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इतने इनफ रहने वाले हैं, हमें इतने भी नहीं चाहिए। तो चलो क्राफ्टिंग टेबल को ले लेते हैं और जो बाकी का गोल्ड है उसको दोबारा से उसकी जगह पर रख देते हैं। तो इसी चेस्ट के अंदर जो बाकी का गोल्ड है उसको भी रख देते हैं, और अब चलेंगे भाई एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढने, ताकि जो क्या है हम विदर को डिफीट कर सके। ओके लेट्स गो गाइस, चलो ढूंढते हैं एक अच्छी सी लोकेशन को और वहां पे फिर विदर को डिफीट करेंगे। ओके फाइनली गाइस, हमें एक बहुत अच्छी जगह मिल चुकी है जहाँ पे हम विदर को स्पॉन कर सकते हैं, और ये हमारे बेस से बहुत ज्यादा करीब है। तो चलो अब यहाँ पे जो क्या है विदर को स्पॉन करने वाला स्ट्रक्चर क्राफ्ट करते हैं, और यहाँ पे अब बारी आ चुकी है भाई अपने विदर स्कल को लगाने की। तो 1, 2, उससे पहले यार आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी जो क्या मुझे आर्मर पहन लेना चाहिए, वरना विदर मेरी चड्डी फाड़ देगा। तो चलो यार, जो लास्ट स्कल है उसको भी लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले जो क्या गोल्डन एप्पल्स खाना कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलो यहाँ से कट लेते हैं और इसको दूर से एरो से हिट करते हैं। तो चल भाई, जल्दी से हो जाए ब्लास्ट, फिर तुझको भाई मैं मारना करूंगा स्टार्ट। तो लेट्स गो यार, ये ब्लास्ट हो चुका है, और अब आप एंजॉय करना एक प्यारे से मोंटेज को। चुके हैं यार इस विदर को मारते भाई, मेरा फोन सच में इतना लैग कर रहा है कि कभी भी नहीं हुआ, और मैं मरने की तादाद पे आ चुका। अरे भाई,
अरे भाई साहब मर चुका हूँ यार, बहुत ज्यादा अब डर लग रहा है क्योंकि जो मेरा सामान है उसको लेना इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि अगर मैं अपना सामान लेने जाऊंगा तो वो विदर नहीं छोड़ने वाला है मुझको। तो चलो गाइस ट्राई करते हैं यार, क्या पता मुझे थोड़ा बहुत सामान मिले, उसी को सूट अप करके फिर उसको मारना स्टार्ट करेंगे यार। बहुत ही सैड भाई साहब यार, पूरा नेजराइट आर्मर भाई, शिट यार जल्दी जाना पड़ेगा गाइस, वरना बहुत ही गलत सीन हो जाएगा मेरा सामान डिस्पोन हो गया तो। तो जल्दी से यार इस साइड है शायद से, और वो तो अच्छा हुआ कि यार मैंने और दूर भी इधर को स्पॉन नहीं किया था, वरना सच में भाई मेरा सामान तो गया था यार इस समय, और सामने भाई विदर है यार। बस छोड़ दे भाई प्लीज यार मेरा सामान प्लीज। ओके यार ये मारने दोबारा से स्टार्ट कर दिया यार, भाई मेरा सामान तैर रहा है यार, भाई अपनी एक्स को उठा लेता हूँ। अरे भाई यार ये विदर सच में यार मुझे मेरा सामान नहीं लेने देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। शिट यार मेरा लाइटर, अरे भाई साहब यार दोबारा से इसने मुझको मार दिया। अरे यार मेरे हिसाब से कहते मुझे अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, मुझ मेरे पे जो बचा पुचा आर्मर है ना उसी को पहन के चला जाना चाहिए, थोड़ा बहुत जो कि मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगा ताकि मैं अपने सामान को ले सकूँ। तो जल्दी से इस डायमंड आर्मर को सूट अप करते हैं, और यहाँ पे ये आयरन के शूज़ को सूट अप करते हैं, और यहाँ पे डायमंड की सॉर्ड को देता हूँ जिसमें स्माइट थीरी लगी है, और यहाँ से एक शील्ड भी ले लेते हैं, और जल्दी से शील्ड को भी सूट अप कर लेते हैं, और यहाँ से जो कि थोड़ा बहुत फूड भी ले लेते हैं ताकि हम पे हंगर बार फूल रहे। तो जल्दी से चलते हैं अब विदर को यार मारने, अगर हो सका तो मैं विदर को मार के अपना सामान ले लूँगा, वरना यार मेरा सामान सच में मेरे हाथों से चला जाएगा। हो सका तो यार ये मेरे बेस को भी नुकसान कर सकता है क्योंकि ये मेरे बेस से बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो यार बहुत ज़्यादा रिस्क का खेल है यार ये, और अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो चलो अभी चलते हैं यार, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है मुझको, क्योंकि अगर गोल्डन एप्पल्स होते तो मैं बचने के 100% चांसेस थे, लेकिन अब 0% चांसेस है, लेकिन मैं ट्राई तो पूरा करने वाला हूँ। तो लेट्स गो, और ये विदर भाई ऊपर तैर रहे हैं पानी के। ओके मारने की ट्राई करते हैं, अरे ओके एक हिट गया इसको, अगर ये मर गए तो बहुत सही है। ओके तो यार मैं अपने सामान को लेने की ट्राई करता हूँ यार, वरना बहुत ही गलत सीन हो जाएगा यार। ओ यार मेरा सामान यहाँ कितना कीमती है यार, प्लीज़ इन जल्दी से इन्वेंट्री में यार हो जाए। ओके गोल्डन एप्पल्स को मैंने ले लिया, जल्दी से गोल्डन एप्पल्स को खाते हैं, उससे चांसेस बढ़ जाएंगे कि इधर मुझे ना मार पाए। अरे भाई इसने मुझे उछाल दिया। ओके मैंने अपने रॉकेट्स ले लिए हैं। ओके 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 ओके, अरे भाई रुक जा यार विदर प्लीज़ यार, समझा यार। अरे भाई यहाँ पे मेरी क्या है, हाँ यहाँ पे मेरी नेदरराइट की सॉर्ड है, बहुत सही। अब अरे भाई रुक जा भाई, थम जा ना भाई, मैं तो हट काऊ। अरे भाई साहब यार ये क्या हो रहा है यार, अब तो इम्पॉसिबल लग रहा है इसको डिफीट करना, अब तो भाई मेरा सर्वाइवल लग रहा है मेरे हाथों से गया। अब जो यहाँ पे बचा पूछा सामान है इसी को लेके चलते हैं, और यह मेरी लास्ट ट्राई होने वाली है, उसके बाद गाइस मैं कोई भी ट्राई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यार अब मेरे पे कुछ रहा भी नहीं है भाई ट्राई करने के लिए। तो जल्दी से इसको सूट अप करते हैं और यहाँ से जल्दी से निकलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। ओके गाइस मैं बहुत मेहनत के बाद यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और यार विदर जो क्या है वो मेरे करेक्ट साइड में है, और वो लिटरली भाई मेरे पीछे पड़ चुका है, मतलब मुझे कहीं भी जाने नहीं दे रहा भाई, देख रहे हो अभी भी भाई कितना ब्लास्ट कर रहा है यार, मतलब जाने का मौका ही नहीं दे रहा है भाई विदर। अरे भाई मान जा भाई प्लीज यार, मेरा सामान डिस्पोन हो गया होगा यार अब तक तो। अरे भाई ये तो बाहर ही नहीं निकलने दे रहा भाई सीरियसली। ओके मैं निकल, अरे भाई ये क्या हो रहा है, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो फाइनली गाइस मेरे हाथ में नेदर स्टार आ चुका है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसा है, तो भाई लिटरली बोल रहा हूँ उस विदर को मारने में मेरा पूरा चीजें जा चुके हैं जो जो मुझे एंड शिप से मिली थी। तो यार अभी जो क्या मेरे बैकअप के लिए जो मैंने डायमंड्स रखे थे, अभी इन डायमंड से जो क्या मैं अपने डायमंड का एक नया आर्मर क्राफ्ट कर रहा हूँ, और उसको नेदरराइट में कवर करने में लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं तुम्हारा भाई कर लेगा, और इंचेंटिंग की तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि हम पे दो दो गोल्ड एक्सपी फार्म है, और एक्सपी की भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो जल्दी से जो क्या इस आर्मर को करते हैं सूट अप, और जो बचे हुए डायमंड्स हैं उनको दोबारा से डायमंड ब्लॉक बना के उनकी जगह पे रख देते हैं। तो चलो इनकी जगह पे इन डायमंड्स को रख देते हैं। तो चलो अब बनाते हैं एक बीकन, तो बीकन बनाने के लिए हमको जो क्या ऑब्सीडियन लगेंगे, तो ऑब्सीडियन मैंने पता नहीं किस चेस्ट में रखे हैं, तो यहाँ पे एक नेदरराइट इंगट है, तो मेरे हिसाब से गाइस मुझे अपनी एक न्यू नेदरराइट की पिकेक्स बना लेनी चाहिए, क्योंकि सिल्क टच वाली एक पिकेक्स होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ से निकाल लेते हैं वुड के प्लैंक्स को, क्योंकि मुझे चाहिए स्टिक्स, तो जल्दी से जो क्या है स्टिक्स को करते क्राफ्ट,
उसके बाद बनाते हैं एक डायमंड की पिकेक्स और अब मुझे लगने वाली है स्मेल्टिंग टेबल। तो स्मेल्टिंग टेबल बनाने के लिए मुझे लगने वाला है आयरन और वुड। मेरे पास दोनों चीज़ अवेलेबल है, तो आयरन तो ये रहा बहुत सारा और वुड भी मेरे पास अवेलेबल है, तो चलो वुड को भी जो क्या है ले लेते हैं और बनाते हैं एक स्मेल्टिंग टेबल। उसके बाद अपनी पिकेक्स को नेदरराइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलो अपनी पिकेक्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया है नेदरराइट में, तो चलो अब बनाते भाई बीकन को। लेकिन उससे पहले भाई देख सकते हो मैं कितना अमीर से गरीब हो चुका हूँ। चलो गाइज अब बनाते हैं अपना बीकन। उसके लिए लगने वाला है हमको ऑब्सीडियन और ग्लास, और मेरे हिसाब से मेरे पास दोनों चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि गाइज मैंने जब लास्ट टाइम अपने गोल्ड फार्म को अपग्रेड किया था तो काफ़ी सारा ऑब्सीडियन जो क्या है बच गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारा ग्लासेस है और ऑब्सीडियन है, तो चलो मैंने क्राफ्ट कर लिया है बीकन को। चलो गाइज अब बनाते हैं हम अपना एक आयरन का बीकन, क्योंकि गाइज मेरे पे आयरन के ब्लॉक्स ही अवेलेबल थे और बाकी सारे ब्लॉक्स जो क्या मेरे पास ख़त्म हो चुके थे। तो जल्दी से बनाते हैं एक आयरन का बीकन। तो पहले यहाँ पे हमें 9x9 का एरिया बना लेना है, उसके बाद फिर हमें इसको एक ब्लॉक का जो क्या एक्सपेंड कर देना है। तो जल्दी से जो क्या मैं इसको कम्प्लीट कर देता हूँ, और ये लास्ट लेयर है तो चलो इसको कम्प्लीट कर देते हैं। तो अब क्या करना है, इसके ऊपर मुझे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और इसके ऊपर मुझे लगा देना है बीकन। तो मैं लेने वाला हूँ बीकन से स्पीड। तो चलो पहले जो क्या है अपने आयरन ब्लॉक को आयरन में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ से ले लेते हैं भाई स्पीड को। और यहाँ पे हेस्ट मिल रहा है, रिजनरेशन, स्पीड, जंप बूस्ट, तो स्पीड को ले लेते हैं और क्राउच हो जाते हैं। तो भाई कितना देखते हैं कितनी तेज हमको जो क्या स्पीड मिली है, और ये भाई साहब काफी तेज जो क्या हमको स्पीड देखने को मिली है यार लिटरली। तो गाइस आपने इस वाले एपिसोड में देखा कि हमने एक विदर को डिफीट किया, लेकिन हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है विदर को डिफीट करने में, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा नेदरराइट आर्मर जा चुका है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं, हम दोबारा से जो क्या उसको क्राफ्ट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और हम मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।